जवाब देने पर छात्र की पिटाई। जी हां, मुजफ्फरनगर में भारत समाचार के शो के दौरान ये हुआ है, जहां पर एक छात्र की पिटाई की गई है। रोजगार शिक्षा से जुड़े सवाल का दिया था जवाब, बीजेपी समर्थकों ने की जवाब देने पर छात्र की पिटाई। कंपनी बाग में था माहौल बनाए रखे कार्यक्रम। हम घूमने के लिए आए थे, देखा था कि यहाँ पे कोई इंटरव्यू चल रहा है, मैंने सोचा कि मैं भी इसमें देख लेता हूँ। फिर मैं बताने लगे, बीजेपी के लोग बताने लगे कि तुम, हमें बयान दिया कोई कि काम नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई, तो मैंने कहा कि वो हो रहा है यहाँ पे इसमें, कि वो बताने लगे तुम तो आतंकवादी हो, तुम हिंदुस्तान की वो बीजेपी के खिलाफ हो। तो मैंने कहा था मैं आतंकवादी क्यों हूँगा, तुम आतंकवादी हो, तो इसी उस पर बस मैं मारने लगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ। नरेंद्र, माहौल बनाए रखिए कार्यक्रम के दौरान इस छात्र की पिटाई की गई, सबसे अहम वजह क्या निकल कर आई है इस पूरे मामले में अब तक? देखिए, ये 6 मार्च की घटना है मुजफ्फरनगर के कंपनी बाग की, और जब उस अदनान नाम के छात्र से मैं बात कर रहा था तो उसी समय उसने बताया, जब उससे पूछा गया कि रोटी रोजगार के और शिक्षा के हालात जो पिछली सरकार में थे और इस सरकार में बदलाव क्या आए हैं, तो उसने बस इतना ही कहा था कि कोई बड़ा बदलाव उसको दिखाई नहीं देता है। इतने पर ही जो दूसरा एक टीका लगाए हुए युवक था, उसने उसको रोका, उसको अपनी बात कहने से रोका, और जब वो अपनी बात पूरी कर चुका था उसके बाद उसकी करीब करीब एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने पिटाई शुरू कर दी। उसको केवल 2-4 थप्पड़ मारकर नहीं छोड़ा गया, पूरे कंपनी बाग में उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, लात घूसों से पीटा गया और उसको लहूलुहान कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से कुछ लोग उसको बचा पाए, और बिल्कुल जो इरादा था उस समय भीड़ का, जो भीड़ में शामिल एक दर्जन से ज्यादा लोग थे, उनका यह लग रहा था कि वो उसको मार के ही दम लेंगे। किसी तरह उसकी जान बच गई है, लेकिन 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक मुजफ्फरनगर की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस केवल जांच का बहाना देकर ये एक प्ली ले रही है कि वो कार्रवाई इसमें करेगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी तरफ जो अदनान था वो अपने इलाज के बाद थाने भी गया था, लेकिन उसको रोक दिया गया, उसे भगा दिया गया थाने से। और जो हिंदू महासभा के जो लोग हैं जिन्होंने पिटाई की है, उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन पुलिस ने ले ली है, और ये डर दिखा रही है अदनान को कि अगर उसने मुकदमा दर्ज कराने की हिमाकत की तो उसके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी जाएगी। फिलहाल उसको ये बोला गया है कि वो मुजफ्फरनगर से बाहर चला जाए, इसी में उसकी जो जान है वो बची रहेगी। देखते हैं कि किस प्रकार से इस पूरे मसले पर अब पुलिस कार्रवाई करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।